अध्यक्ष महोदय, आजकल समाज में एक नई बीमारी ने जन्म लिया है। वैसे तो ये बीमारी पश्चिमी देशों की है। इस बुराई व सामाजिक बुराई को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो लोग, महिला या पुरुष, बिना शादी के साथ रहते हैं। इस प्रकार के संबंध विशेष रूप से पश्चिमी देशों में बहुत आम हो चुके हैं, लेकिन यह बुराई अब हमारे यहाँ भी तेजी से फैल रही है। इसका नतीजा भी भयानक होता है। हाल ही में श्रद्धा और आफताब का मामला सामने आया था जिसमें दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, बल्कि रोजाना कोई ना कोई केस सामने आ जाते हैं। इससे हमारा कल्चर तो बर्बाद हो ही रहा है। समाज में नफरत व बुराई भी फैल रही है। दुनिया हमें जिस सभ्यता व संस्कृति के लिए जानती थी, अगर यही हाल रहा तो हमारी संस्कृति एक दिन दम तोड़ देगी और हमारे उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इस संबंध में मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ जल्द से जल्द कानून बनाया जाए ताकि समाज से ये खतरनाक बीमारी खत्म हो सके। धन्यवाद। सीरियसली स्पीकिंग, आई हैव नेवर एक्सपेक्टेड एनीथिंग बेटर फ्रॉम उत्तराखंड गवर्नमेंट। ये लोग कभी फैक्ट चेक करता ही नहीं है। जैसे कि गरासिया ट्राइब जो कि राजस्थान में है, वो लोग अभी भी लिव इन रिलेशनशिप्स को वैलिड मानता है। ढुकू मैरिज होता है यहाँ झारखंड में, मुसलमान में भी है तुम्हारा मुता निका नामा ऐसे करके कुछ है जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज होता है। गंधर्व विवाह पहले से ही बहुत ज़्यादा ही प्रिवेलेंट है वैदिक काल से। फिर क्या बोलते उसको, मैत्रेयी मिलान नाम करके एक ट्रेडिशन है जिसमें शादी होता है। ऐसे दुष्यंत शकुंतला का स्टोरी ले लो। एपेक्स कोर्ट भी बोला है कि राधा रानी और कृष्ण जो है लिव इन रिलेशनशिप में थे। तो ये जो है ना कल्चरल डिनायल जो है ना इसका परेशान। आई हैव नथिंग अगेंस्ट और फॉर दिस टॉपिक, दैट्स द वर्क ऑफ इंटेलेक्ट। आई एम नॉट एन इंटेलेक्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट्स।